हेलो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का HNY अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, मैं आप सभी को एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूं जो टॉपिक आपके जानकारी के लिए बेहतर और ज़रूरत है। मैं आपको वह टॉपिक लेकर के आया हूं कि आज हाल ही में एक जो बड़ा अध्ययन हुआ है वो भी चीन के द्वारा, चीन के यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उस अध्ययन में यह पाया गया है कि हमारे अर्थात मनुष्य में, जैसा कि आप सोचे होंगे और आप जान रहे होंगे कि हमारे पेड़ पौधों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ट्राउमैटिन, उनकी घायल कोशिकाओं को जोड़ने में वह सहायता प्रदान करते हैं। मतलब घायल टूटी हुई कोशिकाएं पुनः उसमें ऐड हो जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि चीन के अध्ययन में यह पाया गया है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी कोशिका है जो हमारे शरीर के कटे हुए हाथ और पैर को पुनः उगाने में हमारी सहायता प्रदान करेगी। जैसा कि आपको वहाँ पर ट्राउमैटिन कोशिकाएं आपको हार्मोन्स उसके कोशिकाओं को बनाने और अंगों को निर्मित करने में सहायता करते हैं प्लांट्स के, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, उसको पुनः निर्मित करने में सहायता प्रदान करेगा। तो मैं उसी तथ्य पर आज जिक्र करने वाला हूँ आप सभी के बीच में। आप सभी यह वीडियो जरूर से ज़रूर देखेंगे और समझेंगे। जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि मनुष्य के कटे हाथ और पैर पुनः फिर से उग सकेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हिंदुस्तान के कटिंग पॉइंट का एक तर्थ है जो दिया गया है, और उसी का मैंने जिक्र सोचा कि आप सभी के पास अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुँचा सकूँ। तो मेरे मित्रों, आप ज़रा देखिए, यह है क्या चाइना के लैब में, चाइना की यूनिवर्सिटी द्वारा यह कैसे किया गया, उसको आप जिक्र कर लें। कह रहा है कि मनुष्य के कटे हाथ, और ये जो फिर न्यूज नेशन है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कह रहा है कि मनुष्य के कटे हाथ और पैर फिर से उग सकेंगे। कैसे भैया? तो चीन में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि हिरण अपने टूटे हुए सींग को, सींग यहाँ कर लीजिएगा, सींग को फिर से उगा लेता है। चीन के एक यूनिवर्सिटी लैब में यह दावा किया गया है। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन हम दावा नहीं करते क्योंकि जानकारी नहीं है। चीन के एक लैब में मेरे भाई, चीन के एक लैब में टूटे हुए सींग को हिरण फिर से उगा लेता है। उसी प्रकार छिपकली अपने पूंछ को फिर से उगा लेती है। सिंपल सी बात है, छिपकली भी अपने पूंछ से फिर से उगा लेती है। यह सभी कार्य ब्लास्टेमा कोशिका की सहायता से संभव हो पाता है। ब्लास्टेमा कोशिका, गौर कीजिएगा जरा, यह सभी कार्य ब्लास्टेमा कोशिका की सहायता से हो पाता है, जो कटे हुए अंग फिर से उग जाते हैं। जैसे छिपकली का पूंछ कट गया, वो निर्मित हो जाएगा। हिरण का सींग कट गया, वो निर्मित हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ब्लास्टेमा कोशिका मेरे भाई सभी स्तनधारी जीवों में पाया जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं सभी स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, और हम लोग में भी पाया जाता है। यह चीन के लैब में बिल्कुल अध्ययन में पाया गया है। अब गौर करेंगे, मैं आगे आपको लेकर के चलूँगा थोड़ा सा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ब्लास्टेमा कोशिका की सहायता से मेरे प्यारे मित्रों मनुष्य अपने भी अंगों को उगा सकता है। अब सोचिए जरा, जिस प्रकार से छिपकली, जिस प्रकार से हिरण अपने कटे हुए अंगों को उगा सकता है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे मित्रों मनुष्य भी इस ब्लास्टेमा कोशिका की सहायता से अपने कटे हुए अंग को उगा सकता है। अब वह अंग कौन होगा, तब गौर कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि ये धड़ा कट जाए, सीना कट जाए तो उसको उगा सकता है, नहीं जी। अब वो करेगा क्या, जिसमें हाथ और पैर शामिल है। मतलब हम भी अपने कटे हुए अंग को उगा सकते हैं, लेकिन किसको, हाथ को और पैर को, दोनों को उगा सकते हैं। बिल्कुल, किसकी सहायता से मेरे भाई, तो ब्लास्टेमा कोशिका की सहायता से। मतलब इस पर फोकस किया जा रहा है, इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। सिंपल सी बात है। इस अध्ययन को साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन को चीन के जियोन में नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर अध्ययन किया गया। नॉर्थ वेस्ट पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी के अध्ययन क्या किया गया भैया, इसका अध्ययन किया गया है कि ब्लास्टेमा कोशिका की सहायता से
कोई भी जीव, स्तनधारी जीव, अपने कटे हुए अंगों को अगेन मतलब पुनः उसको उगा सकने में अपनी सक्षमता रखता है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ देख लीजिए मेरे भाई, कह रहा है कि साइंस जर्नल के अनुसार ब्लास्टेमा कोशिका को चूहे के सिर में डाला गया। अब गौर कीजिएगा जरा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यह अध्ययन किस जानवर पर किया गया। ब्लास्टेमा जो कोशिका है, कैसे पता चला कि ब्लास्टेमा कोशिका से हमारे शारीरिक अंग बढ़ पाएंगे? तो चाइना के एक यूनिवर्सिटी में यह अध्ययन किया गया और ब्लास्टेमा सेल्स को लिया गया और उसी सेल्स को चूहे के सिर में क्या किया गया, डाला गया। गौर कीजिएगा जरा, माउस के सिर में डाला गया और उसको डालने के बाद 45 दिन बाद उस चूहे को कैद करके रखा गया और 45 दिन के अंदर उस चूहे के सिर पर क्या हो गया, एक सींग जैसी आकृति निकल आई। सींग जैसी आकृति निकल आई। चाइना के लैब में वहाँ के वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन करना शुरू किया कि ब्लास्टेमा कोशिका आखिरकार कैसे प्रमाणित हो सकती है, तो उन्होंने ब्लास्टेमा सेल्स को चूहे के सिर में डाला और उस सिर में डालने के बाद चूहे को कैद करके रखा। 45 दिन के इंतजार के बाद चूहे के सिर पर सींग जैसी आकृति, सींग जो सींग गाय भैंस हिरण सबको होता है, सींग जैसी आकृति क्या हुई, निकल आई। 1 इंच की दर से ब्लास्टेमा कोशिका हिरण में करती है सींग का निर्माण, 1 इंच की दर से, है ना, 1 इंच की दर से हिरण में सींग का निर्माण करती है ब्लास्टेमा कोशिका। बात हमारी समझ गए? अगर आपसे सवाल करे कि किस जानवर पर किया गया था, तो चूहे पर। कौन सी कोशिका को डाला गया था, तो ब्लास्टेमा कोशिका को, है ना। इससे उसके कटे हुए अंग, सिर, आपको बाल, सींग सब क्या हो जाएंगे, वो उग जाएंगे, वो निर्मित हो जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आया कहाँ से, हमारे पास जो न्यूज़ था वो आया कहाँ से। गौर कीजिएगा, ये देख लीजिए आप, हमारे पास जो न्यूज़ आया कहाँ से, ये देखिए, कटे हाथ और पैर फिर से उग सकेंगे चलते चलते। सिंपल सी बात है, देखिए जरा, कटे हुए हाथ और पैर फिर से उग सकेंगे, यहाँ जिक्र किया गया। देखिए जरा मेरे भाई, ये देखिए, है ना, 45 दिन के बाद चूहे के सिर में, जैसा कि मैंने आपको डिटेल्स बताया, 1 इंच की दर से ब्लास्टेमा कोशिका हिरण के सिंग में वृद्धि करती है। सिंपल सी बात है, सभी स्तनधारी जीवों में यह जो ब्लास्टेमा कोशिका होती है वो मौजूद होती है। सिंपल सी बात है, ये हिंदुस्तान का कटिंग है, पावर है। तो ये आपके जीवन में अध्ययन ही बहुत बड़ा महत्व रखता है। जब आप किसी भी माध्यम से अध्ययन करते हो, आपके लिए बेस्ट काम करता है। तो मेरे दोस्त, आप इसी तरह अध्ययन करते रहिए और इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू, लव यू, जय हिंद।